हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं आईपीएल 2019 के 44th मैच की मैच प्रेडिक्शन, जो कि होगा चेन्नई सुपर किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस के बीच। और ये मुकाबला खेला जाएगा 26 अप्रैल की रात को 8 बजे भारतीय समय अनुसार। और ये मुकाबला होगा चेन्नई सुपर किंग्स के होम ग्राउंड चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में। तो आइए जानने से पहले कि मुझे क्या लगता है दोनों टीमों से कौन सी टीमें मैच जीतेगी और किस टीम के मैच जीतने के चांसेस कितने हैं, हम सबसे पहले नज़र डालेंगे दोनों टीमों की बल्लेबाजी के ऊपर और देखेंगे किस टीम की बल्लेबाजी कितनी स्ट्रांग है। सबसे पहले अगर मैं चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी पर नज़र डालूं तो उनके पास शेन वाटसन, फैफ डु प्लेसिस, महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, केदार जाधव, सैम बिलिंग्स के रूप में बल्लेबाज है दोस्तों। और शेन वाटसन ने तो पिछले मैच में क्या शानदार बैटिंग की थी और क्या धुलाई की थी राशिद खान की। वहीं अगर मैं मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी पर नज़र डालूं तो उनके पास सूर्य कुमार यादव जैसे बल्लेबाज, हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, रोहित शर्मा, क्लिंटन डीकॉक और ईशान किशन और द ग्रेट युवराज सिंह जैसे बल्लेबाज है दोस्तों। तो अगर मैं पल्ला भारी की बात करूं तो मुझे तो बल्लेबाजी में चेन्नई सुपर किंग का पल्ला भारी लग रहा है। और अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं तो मैं 60 दूंगा चेन्नई सुपर किंग की बल्लेबाजी को और 40 दूंगा मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी को। अब आइए दोनों टीमों की गेंदबाजी पर नज़र डालते हैं और देखते हैं किस टीम की गेंदबाजी कितनी स्ट्रांग है। तो सबसे पहले अगर मैं मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी पर नज़र डालूं तो उनके पास मयंक मार्कंडे, राहुल चहर जिन्होंने शानदार गेंदबाजी की थी राजस्थान के खिलाफ, वहीं उनके पास जो गेंदबाज हुए हैं द ग्रेट लसित मलिंगा, यॉर्कर स्पेशलिस्ट जसप्रीत बुमराह, मिचेल मैक्लारिगन, बेन कटिंग जैसे गेंदबाज दोस्तों। वहीं अगर मैं चेन्नई सुपर किंग की गेंदबाजी पर नज़र डालूं तो उनके पास दीपक चहर, इमरान ताहिर के रूप में गेंदबाज, हरभजन सिंह, रविंद्र जडेजा के रूप में गेंदबाज है दोस्तों, और ड्वेन ब्रावो, शार्दुल ठाकुर के रूप में फास्ट बॉलर्स भी हैं। तो अगर मैं पल्ला भारी की बात करूं तो भले ही बल्लेबाजी में चेन्नई सुपर किंग का पल्ला भारी हो पर गेंदबाजी में मुझे लसित मलिंगा और जसप्रीत बुमराह की वजह से थोड़ा सा मुंबई का पल्ला भारी लग रहा है गेंदबाजी में चेन्नई के ऊपर। और अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं तो मैं 55 दूंगा मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी को और 45 दूंगा चेन्नई सुपर किंग्स की गेंदबाजी को दोस्तों। अब भाई इस पर नज़र डालते हैं कि मुझे क्या लगता है दोनों टीमों से कौन सी टीमें मैच जीतेगी और किस टीम के मैच जीतने के चांसेस कितने हैं। तो जो मैच है ये होगा चेन्नई सुपर किंग्स के होम ग्राउंड चेन्नई के एम ए चिदम्बरम क्रिकेट स्टेडियम में। और मैं बैक करूंगा ये मैच जीतने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स को। जी हाँ दोस्तों, मेरे हिसाब से चेन्नई सुपर किंग ये मैच जीत जाएगी। और अगर मैं चांसेस की बात करूँ तो करीबन 53% चांसेस है चेन्नई सुपर किंग्स के मैच जीतने के और करीबन 47% चांसेस है मुंबई इंडियंस के मैच जीतने के। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ ये जो मेरी मैच प्रेडिक्शन की वीडियो है इसको मैं 100% सही होने की गारंटी नहीं दे सकता, इसको मैं 90-95% सही होने की गारंटी दे सकता हूँ। अगर आप लोगों को लगता है ये मैच चेन्नई सुपर किंग्स नहीं मुंबई इंडियंस जीतेगी तो आप मुंबई इंडियंस के साथ जा सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं ऐसे ही मैच प्रेडिक्शन की वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा जो इन दी एंड आपको मैच प्रेडिक्ट करने में हेल्प करेगी। Okay guys, till the next video, enjoy life.